पहला क्वेश्चन बताने का प्रयास करें, किस नवमी को गोगा नवमी कहा जाता है? श्रावण के शुक्ल पक्ष की नवमी को, भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की नवमी को, श्रावण के कृष्ण पक्ष की नवमी को, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को? साथियों तो बताओ, ये आंसर आपको बताना है, गोगा नवमी कब आती है? साथियों तो आपको ध्यान रखना है, भाद्रपद महीने का जो कृष्ण पक्ष होता है उसकी जो नवमी आती है उसको गोगा नवमी आती है। तो यहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सभी साथियों के लिए। तो साथियों एक बार लाइव सेशन को एक बार सभी मित्र शेयर कर दे जल्दी से, ताकि आपको और भी मजा आ जाए। साथियों इसी दिन आप लोगों के और इसी समय आप लोगों के डेली प्रश्नोत्तरी होने वाली है, बहुत ही प्यारी प्रश्नोत्तरी साथियों। तो ये क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षा में आया हुआ है, आरएस प्री में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर दो, किस अवसर पर जलवा पूजन किया जाता है? विवाह के अवसर पर, शिशु के जन्म के कुछ दिनों बाद, मुंडन संस्कार के अवसर पर, बच्चे के विद्या आरंभ के अवसर पर, शिशु के जन्म के कुछ दिनों के बाद में? साथियों तो यहाँ पर हमारे एक जलवा होता है जिसको कहते हैं कुआ पूजन साथियों, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर दो। तो यहाँ से आपके लिए बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा साथियों, क्योंकि राजस्थानी कला और साहित्य, संस्कृति और साहित्य के अंदर आपके बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, राजस्थान भूगोल से संबंध में भी आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं साथियों। तो इसको आप, इस प्रश्न उत्तरी को आप बहुत अच्छी तरीके से देखने का प्रयत्न करें। सब्सक्राइब करें चैनल को। किस स्थान की पत्थरमार होली प्रसिद्ध है? महावीर जी की, भरतपुर की, ब्यावर की, बाड़मेर की? बताओ साथियों जल्दी से आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर साथियों पत्थरमार होली की मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है हमारे राजस्थान का बाड़मेर जिला, बहुत ही गजब का प्रश्न आपके लिए बनता है साथियों। पत्थरमार होली के लिए राजस्थान का बाड़मेर जिला बहुत ही प्रसिद्ध है, महावीर जी करौली में है, भरतपुर की बात करें, ब्यावर के अंदर की बात करें तो ब्यावर अजमेर में है साथियों, बहुत ही प्यारा प्रश्न आपके लिए बनता है। तो पत्थरमार पूछी जाए तो आपको उत्तर देना है बाड़मेर। पर्युषण पर्व किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, सिख धर्म से, हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से? बताओ भाई जल्दी से सभी मित्र, इसका आंसर देने का पूरा प्रयत्न करें, इसका आंसर देने का। ये क्वेश्चन साथियों रीट लेवल सेकंड 2013 के अंदर सामाजिक विज्ञान के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इसका पर्युषण पर्व का जब क्वेश्चन आ जाए तो आपको साथियों उत्तर देना है जैन धर्म के बारे में, ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए यहां से बनता है, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन मेरे लाडलो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो बताओ जल्दी से, किस हिंदू महीने में तेजादशमी मनाई जाती है? भाद्रपद के महीने में, आश्विन के महीने में, कार्तिक के महीने में, श्रावण के महीने में? तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है मेरे साथियों? तेजादशमी पूछ रहा है। तो तेजादशमी जब आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर उत्तर देना है भाद्रपद महीना। तो आपको देखिए साथियों, भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन राजस्थान में तेजादशमी आती है, और हमारे राजस्थान के अंदर अजमेर जिले के अंदर मेला भरता है, सुरसरा नामक स्थान है तेजाजी महाराज का, सांपों को देवता है। कौन सा त्योहार श्रावण मास में नहीं आता है? रक्षाबंधन, तीज, नाग पंचमी, जन्माष्टमी? बताओ भाई जल्दी से बताओ सभी मित्र, आंसर इसका क्या होगा, फटाफट बताने का प्रयास करें, जल्दी से आंसर दो। पंकज मीना, कानू जांगीर ए बता रहे हैं। नहीं भाई, रक्षाबंधन तो श्रावण पूर्णिमा को आता है, ये तो बिल्कुल सही बात है। तीज की बात करें, तीज भी श्रावण में आती है। नाग पंचमी की बात करें, ये भी श्रावण में आती है। लेकिन साथियों जन्माष्टमी की बात करें तो जन्माष्टमी आती है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन। अभी हमने पढ़ा था गोगा नवमी, अष्टमी के दूसरे दिन गोगा नवमी आती है साथियों। एक बार आप सभी अपने साथियों को जोड़ने का प्रयत्न करें, आपको और भी आनंद आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इसका। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? पुष्कर के मेले को, सुरसरा का मेला, बेनेश्वर धाम का मेला, बाणगंगा का मेला? पुष्कर का मेला साथियों अजमेर में लगता है, सुरसरा का जो मेला है वीर तेजाजी महाराज का अजमेर में लगता है, बेनेश्वर धाम का मेला राजस्थान के अंदर डूंगरपुर जिले के अंदर नवा टापरा नामक स्थान पर लगता है, और बाणगंगा का मेला राजस्थान के जयपुर जिले के विराटनगर में लगता है साथियों। तो आपको जो सही आंसर देना है वह आपको
बेणेश्वर धाम का देना है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर आदिवासियों का महाकुंभ के नाम से बेणेश्वर धाम को जाना जाता है। किसको जाना जाता है साथियों? आदिवासियों का महाकुंभ के नाम से किसे जाना जाता है? बेणेश्वर धाम को जाना जाता है। और यह है साथियों माही नदी के किनारे भरता है, माही नदी के किनारे भरता है। और ये साथियों आपको ध्यान रखना है कि माघ पूर्णिमा के दिन भरता है। कब भरता है साथियों? माघ पूर्णिमा के दिन भरता है। और माही की जो सहायक नदी आप जानते हैं सोम और जाखम जो नदियां हैं वो इसकी सहायक नदियां हैं। यहाँ पर त्रिवेणी संगम होता है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट होगा। और इसका मुख्य कारण क्या है कि यहाँ पर गाय के खुर से यह जो मूर्ति है यह खंडित होने के कारण साथियों यहाँ पर शिवलिंग की खंडित प्रतिमा की पूजा भी की जाती है राजस्थान के संदर्भ में। तो बहुत ही गजब का क्वेश्चन है, यह आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं साथियों। यहाँ पर बादशाह का प्रसिद्ध मेला किस शहर में आयोजित होता है? इंदौर सिटी करौली में, करौली में, ब्यावर अजमेर में, चाकसू जयपुर में। बताओ भाई जल्दी से फटाफट आंसर दो मेरे साथियों जोश और उत्साह के साथ। सी पंकज मीणा बिल्कुल सही बात बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, ब्यावर अजमेर, वेरी गुड। बादशाह का प्रसिद्ध यहाँ पर जो मेला भरता है साथियों वो ब्यावर अजमेर में भरता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आप